धनबाद के पुटकी में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। चिरुडी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है और ये कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में दर्जनों मजदूर काम करते हैं, लेकिन होली को लेकर ज्यादातर मजदूर आज छुट्टी पर है। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग लगी में लाखों के नुकसान की आशंका है। ये तस्वीरें आप देखिए कि इतने भयंकर रूप से धुआं निकल रहा है आग लगने के बाद। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। शुक्र की बात यह रही कि छुट्टी की वजह से ज्यादा मजदूर यहाँ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वहीं आग लगी की वजह से लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। धनबाद की पुटकी की तस्वीर है जहां प्लास्टिक के गोदाम में ये आग लगी है। इस आग लगी की घटना के बाद लाखों का नुकसान की बात सामने आ रही है। वहीं राहत की बात यह रही कि ज्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे थे छुट्टी की वजह से। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आग किस वजह से लगी है ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरों में देख सकती है कितनी भयानक ये आग लगी है। वहीं आग लगने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग लगी की घटना में लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। ये देखिए दमकल की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। वही बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते धुआं किस तरह से आग के बाद आग लगने के बाद रूप ले चुका है। का गोदाम है, इसमें भीषण आग लगी है। क्या कहेंगे किस तरह का गोदाम थी? यहाँ प्लास्टिक का गोदाम था। काफी संख्या में यहाँ आसपास का ग्रामीण जो है रोजगार का भी काम करता था, लेकिन होली का छुट्टी होने के वजह से फैक्ट्री बंद थी। अब किस वजह से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है। और भी यहाँ सुरक्षा के मानकों का जैसे कि घटना को देख करके लग रहा है कि ध्यान नहीं रखा गया है। और अति ज्वलनशील चीजें भी अगल बगल प्लांट है, सिर्फ प्लास्टिक का ही नहीं था। अभी आने पर मालूम चला कि माचिस का भी फैक्ट्री बगल में। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का जो है तुरंत इस घटना को लेकर यहाँ पे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।